हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज के इस सेशन में हम हीप शॉर्ट शुरू करने से पहले बिल्ड मैक्स हीप के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, पिछले लास्ट सेशंस में हमने हीप्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है। हीप्स की प्रॉपर्टीज़ हमने सीखी हैं। उसके बाद हमने मैक्स हीप एल्गोरिथम या मैक्स हीप फंक्शन एक्चुअल में कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो सीखा है। अब हम बिल्ट मैक्स हीप, मतलब अगर आपको एक गिवन एरे होता है उस पर एंटायरली उस पूरे गिवन एंटायर एरे को बाइनरी ट्री में रिप्रेजेंट करते हुए उसको किस तरीके से एक एग्जैक्ट हीप में कन्वर्ट करते हो, मैक्स हीप में कन्वर्ट करते हो, वो अब अपन देखेंगे। ये जो आपको एल्गोरिथम दिया गया है बिल्ट मैक्स हीप, यहाँ पे ये जो गिवन ए है ये आपका ये एरे है। एग्जाम्पल अगर देखिए, अगर अपन एग्जांपल कंसीडर करते हैं इन एलिमेंट्स के लिए 9, 6, 5, 0, 8, 2, 1 एंड 3, ठीक है, इसे आप एक एरे में स्टोर करिए। तो यहाँ पे जब आप एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करोगे तो वो किस तरीके से होगा, ठीक है। टोटल एरे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, इसके इंडेक्सेस के नाम मैं दे दूँ, टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। तो 9, 6, 5, 0, 8, 2, 1 एंड 3, ठीक है। यहाँ पर भी इंडेक्सेस इस तरीके से होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। अब ये जो गिवन बाइनरी ट्री है, अगर इस पर आप बेस्ड ऑन हाइट पे मैक्स हीपीफाई एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करते हो, तो हमने देखा है कि मैंने आपको मैक्स हीपीफाई एल्गोरिथम बताने से पहले एक एग्जांपल बताया था किस तरीके से आप नॉन लीफ इंडेक्सेस को कंसीडर करते हो, जो हाईएस्ट नॉन लीफ इंडेक्सेस। अब देखिए यहाँ पे नॉन लीफ इंडेक्स कौन से होंगे आपके, नॉन लीफ इंडेक्स कौन से होंगे आपके, इसको पता ये होंगे। सबसे पहले तो लीफ इंडेक्स कौन से होंगे, इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था n/2 फ्लोर प्लस 1 to n तक। तो यहाँ पे नोड्स की संख्या है 8 by 2 प्लस 1 to n, तो इट विल बिकम 5 to n is 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीफ नोड्स होंगे 5, 6, 7 एंड 8, ओके। ये हमने देखा है, तो नॉन लीफ नोड्स आपके होंगे 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो हाईएस्ट वैल्यू वाला नॉट हाईएस्ट इंडेक्स कौन सा है, 4, तो इस वाले इंडेक्स पे रखे हुए नोड पे अपन क्या लगाते हैं, मैक्स हीपीफाई लगाते हैं, ठीक है। इस पे जब आप मैक्स हीपीफाई लगाओगे तो आपके पास किस तरीके से की सिचुएशन होगी, ठीक है। मैक्स हीपीफाई लगाओगे यहाँ पे तो 3 ऊपर जाएगा और 0 कहाँ आएगा, नीचे, और बाकी जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एज इट इज ही रखे होंगे, ठीक है। ये फोर्थ इंडेक्स पे किया, इसके बाद अपन ने इंडेक्स 4 पे ये अपन ने मैक्स हीपीफाई लगाए एट इंडेक्स 4, ठीक है। इसके बाद आप जब लगाते हो इसके बाद अगर आप एट इंडेक्स इंडेक्स 3 पे अगर आप लगाते हो एट इंडेक्स थ्री, देखिए अपन मैक्सिमम टू मिनिमम इंडेक्स चल रहे हैं, तो 4, 3, 2 और 1 को अपने को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन देख सकते हैं इंडेक्स 3 पे पहले से शॉर्टेड है, तो आपको एग्जैक्ट यही नोड मिलेगा, ठीक है, यही आपको जो है सिचुएशन मिलेगा, ठीक है। अब इसके एग्जैक्ट सेम आपको ये मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप एट इंडेक्स 2 पे लगाते हो मैक्स हीपीफाई, तो आपको क्या सिचुएशन मिलता है, आपको सिचुएशन मिले जो मिलेगा वो इस तरीके का बनेगा, ठीक है। मैक्स हीपीफाई लगाने के बाद तो
अब यहाँ पे देखिए, जो इंडेक्स टू, इंडेक्स टू के लेफ्ट, और ये इंडेक्स टू है, ठीक है, इंडेक्स टू पे रखा है 6, लेफ्ट चाइल्ड 3 एंड 8, तो मैक्सिमम कहाँ जाएगा, ये दोनों आपस में स्वैप होंगे, तो ये 8, 6 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा और 0 इधर, और 2, 1, 5 एंड दिस वन इज 9। तो ये इंडेक्स टू पे, इंडेक्स टू पे लगाने के बाद ये हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और इंडेक्स वन पे आप लगाओगे तो आप डायरेक्टली देख सकते हो 9 इज़ द बिगेस्ट ऑफ इट्स लेफ्ट चाइल्ड एंड इट्स ऑफ राइट चाइल्ड। सो फाइनली आपको ये मैक्स हीप मिलेगा, ठीक है, ये हमने देखा। इसके ये एग्जांपल हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में देखा था। अब देखिए बेसिकली अपने को क्या करना है, जब ये मैक्स हीपीफाई फंक्शन या मैक्स हीपीफाई एल्गोरिथम रन होता है, तो ये एक पर्टिकुलर लेवल के हीप साइज के लिए रन होता है। हीप साइज भी अपन ने देखा है कि हीप साइज भी वेरी करता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि अपने को जो हीप बिल्ड करना होता है वो पूरे लेवल्स को कंसीडर करते हुए बिल्ड करना होता है। तो यही अल्गोरिथम अपन लगाएंगे, ये फाइनल एक्चुअल हीप कैसे बिल्ड होगा वो अब अपन देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता दूं। बेसिकली अगर आपको गिवन नंबर ऑफ अगर आपको एक ट्री गिवन है, अगर अपन ये ट्री कंसीडर करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री आप कंसीडर करो, ठीक है, दिस इज कंप्लीट बाइनरी ट्री, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ये लेवल, एक ये लेवल और ये लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर तो इधर हम मैं दो कैटेगरी बना देता हूँ, ये हाइट और नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। देखिए जो लीफ नोड्स हैं उनकी हाइट कितनी है, 0, और नंबर ऑफ नोड्स आपको कितने मिल रहे हैं, टोटल 8, ठीक है। इसी तरीके से जिस हाइट अगर ट्री में 1 है, जहाँ पर नोड्स रखे हैं इनकी हाइट कितनी है, देखिए हाइट कैसे निकालते हैं, इस नोड की हाइट कितनी होगी, लेवल जो लीफ नोड से या टर्मिनल नोड से जो मैक्सिमम एज लेंथ होगी, मैक्सिमम एज लेंथ कितनी है, 1 है, तो ये 1 और नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 4, ठीक है। इसी तरीके से इस हाइट 2 पे नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 2, और हाइट अगर आपका 3 होता है तो नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 1, और हाइट ऑफ ट्री क्या होता है, हाइट ऑफ ट्री इज हाइट ऑफ रूट नोड, ये चीज़ हमने पहले भी देख ली है, रूट नोड, ठीक है। अब देखिए बेसिक क्या हम एक रिलेशन इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको हाइट गिवन हो और नंबर ऑफ नोड्स अगर आपको निकालने हैं किसी लेवल पे, है ना, तो वो कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड, मैं कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम बात करूँगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इक्वल्स टू कितने होंगे, 2 to the power, ये आपके होंगे, ये होंगे आपके n अपॉन 2 to the power h प्लस 1 का सीलिंग वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n क्या है, n इज टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन अ गिवन ट्री, और h क्या है आपका, h इज द हाइट एट विच द नोड्स नीड टू बी डिटरमिन्ड, ठीक है। तो h वो हाइट है जिस हाइट पे अपने को नोड्स की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले को अगर अपन इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसमें अगर मैं लेता हूँ इफ एच इक्वल्स टू ज़ीरो, एच इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड यहाँ पे देखिए ऊपर वाले प्रॉब्लम में, इस ऊपर वाले एग्जांपल में जो एन की संख्या है वो कितनी है, टोटल आप काउंट करोगे तो आएगी 5, एच इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एन इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे कितने होंगे, नंबर ऑफ नोड्स इक्वल्स टू, अगर ये फॉर्मूला आप लगाओ, n इक्वल्स टू 2 to the power h प्लस 1 का सीलिंग वैल्यू, तो ये n आपका हो गया 15, और
हाइट कितनी है, मतलब हाइट है लीफ नोड्स की हाइट है 0, एच की वैल्यू 0 प्लस 1, तो इसको जब आप सोल्व करते हो तो ये कितना आता है 15/2, तो 15/2 आया 7.5, 7.5 का सीलिंग वैल्यू कितना होगा नेक्स्ट इंटीजर दैट इज 8। अब आप काउंट करके देख सकते हो इस हाइट पे, जीरो हाइट पे नोड्स की संख्या कितनी है 8, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कंसीडर करता हूँ इफ h इक्वल्स टू 1 एंड हमारा n उतना ही रहेगा गिवन ट्री में 15, तो नंबर ऑफ नोड्स आपके कितने होंगे, हाइट 1 पे नंबर ऑफ नोड्स की संख्या होगी, वही फॉर्मूला अगर मैं लगाऊँ 2^h+1 का सीलिंग वैल्यू, तो ये आपका आएगा n 15/2^1+1, तो ये कितना होगा आपका 15/4, 15/4 आपका होगा दैट विल बी 3.7 समथिंग, ठीक है। और जब इसका फ्लोर सीलिंग वैल्यू आप लोगे तो ये आएगा 4, ठीक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो इस एग्जांपल में लेवल, ये हाइट 1 है, ठीक है, हाइट 1 और नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं 4, ठीक है। इसी तरीके से इफ एच इक्वल्स टू, अगर हाइट 2 है एंड नंबर ऑफ नोड्स आपके 15 ही रहेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स की संख्या जो होगी आपकी, ये फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो वो होगा 15/8 का सीलिंग वैल्यू दैट विल गिव यू 2। एंड इसी तरीके से इफ h इक्वल्स टू 3, ठीक है, h इक्वल्स टू 3 एंड n इक्वल्स टू 15, नंबर ऑफ नोड्स आपको उस लेवल पे मिलेंगे कितने, इक्वल्स टू 15/16 का सीलिंग वैल्यू दैट विल बी 1। तो आप देख रहे हो हर लेवल पे, हर जो हाइट गिवन होती है उस हाइट पे नंबर ऑफ नोड्स कंप्लीट बाइनरी ट्री में आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स जब आप बात करो किसी लेवल पे, इसका मतलब आप कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे जो बिल्ट हीप, ये जो एल्गोरिथम अब रन करेगा यहाँ पे, इसको अपन नीचे कंसीडर करें, ठीक है। अब देखिए बेसिकली ये एल्गोरिथम रन कर रहा है आपका कहाँ से, फोर लूप चल रहा है, फोर लूप जो आपका चल रहा है ये किसके लिए चल रहा है, दिस इज फॉर नॉन लीफ नोड्स, नॉन लीफ नोड्स, ठीक है। और ऊपर दिए हुए एग्जांपल में अगर आप कंसीडर करो तो बेसिकली ऊपर दिए हुए एग्जांपल में जो नोड्स आपको इस तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है, तो नॉन लीफ नोड्स यहाँ पे कौन से हैं, नॉन लीफ नोड्स आपके यहाँ पे होंगे 4, 3, 2, 1, तो सबसे जो ये लूप चलेगा, ठीक है, आई का जो वैल्यू रन होगा वो होगा आपका एग्जैक्टली नॉन लीफ नोड्स के लिए, तो नॉन लीफ नोड्स मतलब 4, 2, 1, तो आई का जो वैल्यू रन होगा वो रन होगा आपका कहाँ से, आई इक्वल्स टू 4, देन आई इक्वल्स टू 3, देन आई इक्वल्स टू 2, देन आई इक्वल्स टू 1, ठीक है। आई इक्वल्स टू 4 इसको आप कंसिडर करोगे पहले, फिर इसको आप कंसिडर करोगे, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। अब देखिए ये जो एग्जैक्टली टाइम लेगा कि वो टाइम कितना होगा वो अपन एन, देखिए यहाँ पे जितने नंबर ऑफ नोड्स एक हाइट पे होते हैं उस हाइट पे कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ वर्क किया जाता है या फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट किया जाता है एक एल्गोरिथम के द्वारा। तो मैक्स हीपीफाई जो है वो जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट करेगा। तो अपन मान लेते हैं कि अगर हाइट जैसे एट हाइट एच, एट हाइट एच नंबर ऑफ नोड्स आर एन बाई 2^h+1, ठीक है, देन द वर्क डन इक्वल्स टू ये होगा आपका एन बाई
टू टू द पावर एच प्लस वन, ठीक है, इंटू सम कॉन्स्टेंट, तो इसको अपन बोल देते हैं सी इंटू एच, ठीक है। अब ये तो h हाइट पे नोट्स हुए, तो टोटल आपके हाइट्स कितनी है, आपकी टोटल हाइट्स जो वेरी करेंगी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगी। अब देखिए ये हाइट टोटल कंप्लीट बाइनरी में मैंने आपको बताया हाइट कैसे वेरी करती है लेवल्स, तो टोटल लेवल्स जितने होंगे उतनी हाइट्स होंगी। तो ज़ीरो से अगर n नोट्स गिवन होते हैं, इफ़ द टोटल नोड्स आर n, देन लेवल ऑफ ट्री विल बी log n, ठीक है। और लेवल हमें पता है तो हाइट्स जो होंगी वो वेरी करेंगी, तो अपन एक पॉइंट और लिख लेते हैं, सो द हाइट विल बी फ्रॉम ज़ीरो टू log ऑफ log n, ठीक है। अब देखिए हाइट कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, हाइट आपकी वेरी कर रही है कहाँ से, ज़ीरो टू log n तक, ठीक है। अब इसमें सारे रेंजेस आएंगे ज़ीरो वन टू log n, तो एक हाइट एक पर्टिकुलर हाइट पे कितना टाइम या वर्क इन्वेस्ट किया जा रहा है वो है आपका n, तो टोटल वर्क इन्वेस्टेड अगर आप बोलो टोटल वर्क डन, ठीक है, दैट विल बी एक पर्टिकुलर हाइट पे किया हुआ वर्क समेशन ऑफ ऑल द हाइट पे किया हुआ वर्क, दैट इज h इक्वल्स टू ज़ीरो टू n, ठीक है, टू टू द पावर एच प्लस वन, दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस कॉन्स्टेंट फैक्टर, और इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो बेसिकली कैसे सॉल्व होगा, ये बाहर आएगा c इंटू इस पे सिग्मा चलेगा तो फिक्स्ड ये हो जाएगा आपका c इंटू n, ठीक है, दैट विल बी बाय आई एम टेक कंसीडरिंग टू आउट हियर एंड हियर यू विल बी गेटिंग सिग्मा h इक्वल्स टू ज़ीरो टू log n, ठीक है, n अपॉन टू टू द पावर h, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ये इन जो है हाइट इन्फिनिटी कर दूँ, ठीक है, तो दैट इज मीन्स इट्स अ वेरी बिग साइज, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे ऑर्डर इसको रिलेट कर सकते हैं ऑर्डर से, सो दैट विल बी ऑर्डर सी एन बाई टू इंटू एच इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी एन अपॉन टू टू द पावर एच, ठीक है, तो ये बेसिकली ऑर्डर होगा आपका। और यहाँ पे आप सिंपल सा दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर आप इसको फाइंड आउट करो तो इसका आंसर आपको मिलेगा टू, ठीक है, तो आपको जो ऑर्डर मिलेगा वो आपको ऑर्डर ऑफ एन मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है किसी मैक्स शेप को बिल्ड करने के लिए वो आपकी होगी ऑर्डर ऑफ एन, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसका डेरिवेशन देखा हमने, समझा कि किस तरीके से ये आता है। अब अगर अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बेसिकली जो रोल प्ले कर रहा है वो एक्टिवेशन वो है आपका मैक्स हीपीफाई फंक्शन। मैक्स हीपीफाई फंक्शन के अंदर फिर से मैक्स हीपीफाई फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, मतलब एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टोर किए जा रहे हैं, और एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स एक टाइम पे कितने किसके स्टोर किए जा रहे हैं वो डिपेंड करता है कि स्टैक का साइज़ क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टैक का साइज़ की अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम जो स्टैक साइज़ होगा वही इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो मैक्सिमम स्टैक साइज़, ठीक है, और ये मैक्सिमम स्टैक साइज़ का पॉसिबल होगा व्हेन वी विल कंसीडर द हाईएस्ट लेवल, ठीक है,
लेकिन यहाँ पे जो अगर आप इस लेवल पे कंसीडर करोगे तो यहाँ पे स्टैक साइज ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए ज़्यादा नहीं होगा। इस लेवल पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड उससे नीचे वाले लेवल से ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा जो स्टैक का साइज होगा जिसका हाईएस्ट लेवल होगा, तो हाईएस्ट लेवल आपका क्या होगा, वो होगा लॉग एन, ठीक है। तो बेसिकली जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका इस एल्गोरिथम के लिए आएगा वो होगा ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है। तो ये हमने बिल्ट मैक्स ईप एल्गोरिथम को स्टडी कर लिया है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ और देख ली हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो आपका ऑर्डर ऑफ एन होगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन होगा, ठीक है।